वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम तरुण शर्मा है। इस वीडियो को देखने के पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो पूरी सीक्वेंस पे चलती है। इंग्लिश पूरी सीक्वेंस पे चलती है, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो वीडियोस आप अगर उन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको इधर उधर के किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे वीडियोस मेरे सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, तो ये वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आज फंक्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन क्या होते हैं। मैन इंग्लिश आपकी यहीं से शुरू होती है, मैन जो इंग्लिश है ना वो आपकी यहीं से शुरू होती है। फंक्शन जहाँ पर बात आती है नाउन या प्रोनाउन के, या किसी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इनके फंक्शंस की जब बात आती है ना, तो एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं। अब ध्यान से देखो जरा, अब नाउन या प्रोनाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन या प्रोनाउन इंग्लिश में सब्जेक्ट बनता है, नाउन या प्रोनाउन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि चाहे आप न्यूज पेपर पढ़ो, चाहे कुछ भी चीज पढ़ो, आप मैगजीन पढ़ो, चाहे स्पोर्टिंग सॉल्व करो, कोई भी बुक पढ़ो, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। फिर मैंने लिखा हुआ है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं, इन, ऑन, इनटू, ऑफ, विद, नियर, एट, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रपोजिशन होते हैं। और प्रपोजिशन के बाद में हमेशा आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फिर से सुन लो, प्रपोजिशन, इन, ऑन, इनटू, ऑफ, ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन के बाद में हमेशा इंग्लिश में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट शब्द आ गया तो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन इंग्लिश में बनते हैं सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या फिर प्रोनाउन ही बनते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी पहले वीडियोस में, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए चीज़ों को बता रहा हूँ। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज देखो जरा ध्यान से। क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है, क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब होता है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये पूरा के पूरा मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर बनाते हैं क्लॉज। ये बना दिया मैंने क्या, कंजंक्शन। ये लिखा है मैंने कंजंक्शन। सब्जेक्ट और वर्ब क्या मिलाते हैं, ये क्लॉज बना देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये पूरा के पूरा सेंटेंस तो आपका एक होगा, क्योंकि फुल स्टॉप एक है तो सेंटेंस भी एक होगा, लेकिन क्लॉज इसके अंदर दो है। कैसे पता किया, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब दूसरा क्लॉज, तो सेंटेंस तो हो गया एक। सेंटेंस तो कितने हो गए, एक हो गया सेंटेंस। क्लॉज कितने हो गए, दो हो गए। तो एक सेंटेंस में कितने ही क्लॉज हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, बस सब्जेक्ट और वर्ब पर ध्यान देना है। एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। मुझे पता है बट यहाँ पर क्या होता है, कंजंक्शन होता है। अब देखो ये हो गया स्टिक, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, इट हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया वर्ब। अब देखो वही बात है, क्रॉस होता है सब्जेक्ट वर्ब, तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब ये एक क्रॉस हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब ये दूसरा क्रॉस हो गया। इसका मतलब ये सेंटेंस तो एक है, क्रॉस इसके अंदर कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हो। ठीक है, ध्यान से इसे नोट करो। इसके बाद देखिए आप ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, प्रोनाउन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सारे टॉपिक्स को कवर करना। प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, नाउन भी कवर होगा। लेकिन फर्स्ट टॉपिक आप इसको देखिए, ठीक है, प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है इट रिप्लेसेस अ नाउन टू स्टॉप इट्स रिपीटेशन। प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर आता है। ठीक है, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों आता है ये, ताकि उसका रिपीटेशन को रोक सके, ताकि उस नाउन के रिपीटेशन को रोक सके। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, विराट कोहली प्लेस क्रिकेट फुल स्टॉप, विराट कोहली प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया फुल स्टॉप, विराट कोहली प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। अब आप हर बार कर क्या रहे हो, विराट कोहली फिर फुल स्टॉप फिर विराट कोहली फिर फुल स्टॉप फिर विराट कोहली, हर बार आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि लैंग्वेज की जो ब्यूटी होती है वो लॉस हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या बनाया गया, प्रोनाउन बनाया गया।
के स्थान पर आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब एक बार ध्यान से देखो, ये मैंने पूरा चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप अच्छे से इसे वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस चीज को पूरी की पूरी नोट कर लेना अच्छे से, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये देखो ध्यान से, इसमें कुछ केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है। इसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बेहतरीन यूज होते हैं इसके, और बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं, ये होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर के नाम से जानते हैं। आई और दी, ये दोनों की दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू सेकंड पर्सन होता है। ही शी इट और दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर के नाम से जानते हैं, सेकंड पर्सन को लिसनर के नाम से जानते हो, थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव पार्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी भी एक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोगों के बारे में पार्टिसिपेशन नहीं होता। थर्ड पार्ट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता एक बार में, यानी कि दो ही लोग बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलेगा तो दूसरे लोग सुनेंगे, सेकंड पर्सन बोलेगा तो फर्स्ट पर्सन उसको सुनेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चीजें होती है, तो ध्यान रखना, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये वाला हो गया थर्ड पर्सन, इसे बोलते हैं नॉन एक्टिव पार्ट। आई और बी, अच्छा आई होता है सिंगुलर, तो आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आई के साथ में हैव भी तो यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। इंडेफिनेट और परफेक्ट दो ऐसे टेंस होते हैं जहां पर आई का नेचर प्लूरल की तरह होता है, तो इंडेफिनेट और परफेक्ट वाले केस बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जो जनरल चीजें हैं उसे समझो। आई सिंगुलर होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बी प्लूरल होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। ही मैस्कुलिन केस होता है, मैस्कुलिन केस होता है यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करने वाले, मेल को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, इसलिए इसके साथ में भी आप यूज करोगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। शी सिंगुलर होता है, शी होता है फेमिनिन केस, फीमेल रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ भी कौन सा यूज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इट अपने आप पर बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है इट, ठीक है, बेबी चाइल्ड जो ये होते हैं इनको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, टाइम को, टेम्परेचर को, तो इट बहुत सारी सिमिलर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट बहुत मतलब इट जो होता है ना वो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हो, लिविंग के लिए भी कर सकते हो यूज, लेकिन पर्सन के लिए कभी इट का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इट सिमिलर होता है इसलिए सिमिलर हेल्पिंग वर्ब, दे प्लूरल होता है तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, मी का अस, यू का यू लिखा है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का होता है दे। अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दोनों टर्म क्लास में, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, ये तो ध्यान रखी देना अच्छे से। पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, और क्या लिखा है, देयर। पॉजिटिव प्रोनाउन माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, बचपन में हम लोग कई बार एप्लीकेशन में लिखा करते थे Yours obediently, application के last में लिखा करते थे, और हम लोग इसे क्या लिखा करते थे, yours, apostrophe लगा दिया करते थे, जब इसका नाम ही possessive pronoun है, possessive का मतलब होता है, possessive का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार बताना, possessive शब्द का मतलब ही होता है किसी चीज के ऊपर अधिकार शो करना, अधिकार बताना अपना, तो जब चीजों के थ्रू आप अधिकार बता रहे हो तो apostrophe से अधिकार बताने की क्या जरूरत है दोबारा, इसीलिए ये चीजें गलत हुआ करती थी, इसलिए इन सभी शब्दों पर apostrophe s का यूज मत करना। इतना आया सबको समझ में, ठीक है। अब ये सारी चीजों को आप नोट कर लो, इसके मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, इन दोनों क्वेश्चन को करने के पहले ये बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से पहले कर लो। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मी थिंक दैट हिम इज सीरियस। अब इनको क्वेश्चन को करने के पहले एक बार ध्यान से देखो, ये लिखा है वर्ब के पहले यूज होता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में यूज होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्टिव केस यूज होता है, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नाउन में तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पता ही नहीं चलता कौन है, लेकिन पता चलता है प्रोनाउन में, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अच्छा, जो मैंने अभी पहले चार्ट बताया है उस चार्ट को अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो चार्ट के बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद है ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बनता कौन है, नाउन या फिर प्रोनाउन बनता है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर।
अपने आप में क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस नहीं होता, आई होता है तो आई लिख दूंगा, ठीक है। दैट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। इस क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस हिम नहीं होता, ही होता है। दूसरा क्वेश्चन, द टीचर स्कोल्डेड, द टीचर हो जाएगा सब्जेक्ट, स्कोल्डेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। डांटा, किसको डांट दिया उसने, ही को। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ही नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा यहाँ पर, हिम होगा, तो हिम को लिख दो यहाँ पर, ठीक है। टू होता है क्या, प्रीपोजिशन, टू इन, इनटू, विद, ये सब होते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, तो आई नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, नहीं आएगा। आई को हटा कर क्या लिख दोगे, मी लिख दोगे। क्या लिखा है, मोहिनी, सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ब, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया मोहिनी ने, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑब्जेक्ट हो गया। बिटवीन, ध्यान रखना बिटवीन भी क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एंड क्या होता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन तो सेम डिग्री की चीजों को जोड़ता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ देगा वो, ठीक है। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, इसका मतलब ये हुआ कि सेम डिग्री की चीजों को जोड़ने का काम करता है ये। तो शी, मुझे पता है प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, शी नहीं होगा यहाँ पर, हर होगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। अगर एक ऑब्जेक्टिव केस तो एंड के साथ दूसरा भी को क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस, आई नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, नहीं आएगा। बिटवीन, अभी अभी देखा मैंने, बिटवीन प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, शी का क्या होता है, हर, सही लिखा हुआ है। एंड कंजंक्शन, आई नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर हमेशा। ये हो गया सब्जेक्ट, लार्ड हो गया वर्ब, एट हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आई नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ये मी आएगा। इन क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो फटाफट। अब इन क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, ये जो ऊपर मेरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं इस तरह। वीडियो को दो बार तीन बार अच्छे से देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर लाइक, अब देखो, ही लाइक आई हैव डन पीएचडी, ही लाइक आई एम अ डॉक्टर। अब एक बार बताओ मुझे जरा, यहाँ पर ये लाइक यहाँ पे काम किसकी तरह कर रहा है, ये लाइक यहाँ पर काम कर रहा है या तो वर्ब की तरह काम कर रहा है या फिर ये लाइक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। लाइक अपने आप में वर्ब भी होता है और लाइक अपने आप में प्रीपोजिशन भी होता है। जब लाइक वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मीनिंग निकलता है पसंद करना, ठीक है। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना, तुम भी करते हो पसंद किसी ना किसी को, ठीक है। तो लाइक जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पसंद करना, और लाइक जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग निकलता है तुलना करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। पता कर लेते हैं यहाँ पर लाइक काम किसकी तरह कर रहा है, वर्ब की तरह कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह कर रहा है। तो एक बात मुझे समझ में आती है, हम लोगों ने क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लॉज की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि सब्जेक्ट के साथ में यदि वर्ब मिल जाए मुझे और बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंजंक्शन होना चाहिए जो चीज़ों को जोड़ेगा, और फिर यदि सब्जेक्ट के बाद में मुझे क्या मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा। तो यानी कि ये हो गया क्लॉज नंबर वन, ये क्लॉज नंबर टू, और सेंटेंस हो गया आपका एक। अब एक बार देखो, कैसे पता करूँ कि ये वर्ब है या नहीं है, मुझे पता करने के लिए आगे की ओर देखो, ये देखो ध्यान से, एम क्या हो गया, वर्ब हो गया यहाँ पर, ये है क्या हो गया यहाँ पर, ये भी वर्ब हो गया, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये आई भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, ये वाला पोर्शन तो दोनों ही क्वेश्चन में क्लॉज हो गया। अब ये पता करूँ मैं कि ये क्लॉज है कि नहीं है, तो अगर आपने इसे गलती से दोनों को वर्ब कह दिया, इनको आपने कह दिया सब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ऐसे गलत होगा ये इसलिए गलत होगा क्योंकि आपने इसको कह दिया वर्ब, इसको सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट, इसको वर्ब, तो बताओ कंजंक्शन कहाँ है। इस दोनों की दोनों सेंटेंस में मुझे कंजंक्शन तो दिया ही नहीं है, दोनों ही सेंटेंस में मुझे कंजंक्शन नहीं देके रखा, कंजंक्शन नहीं देके रखा, इसका मतलब ये वर्ब नहीं हो सकता, ये तो वर्ब की जगह पर क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। इस बात को आपको समझना होगा, वो वर्ब नहीं होगा, वो क्या होगा, प्रीपोजिशन। फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो, ये हो गया अपने पास क्या हो गया, ये जो लिखा है मैंने दूसरा सेंटेंस एम, ये वर्ब हो गया, ये आई हो गया, इसका मतलब सब्जेक्ट। अगर मैंने इसको वर्ब मान लिया, इसको सब्जेक्ट मान लिया, तो बताओ कंजंक्शन कहाँ है, क्योंकि दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, कंजंक्शन है ही नहीं है, तो लाइक यहाँ वर्ब नहीं बनेगा, लाइक बनेगा प्रीपोजिशन, लाइक क्या बनेगा, प्रीपोजिशन।
ही बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, ही क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, चलो ये भी क्या बन गया सब्जेक्ट, ये हैव क्या बन जाएगा, हैव डन क्या बन जाएगा, तो ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखो सेंटेंस में बदलाव क्या होना चाहिए हमारा, सेंटेंस में बदलाव ये होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, ये भी प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग तय की जाएगी, वर्ब की जाएगी तय ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तय की जाएगी, ही के साथ में कभी हैव नहीं आता, ही के साथ में आता है हैज, ही के साथ कभी एम नहीं आता, ही के साथ में आता है इज। ध्यान से देखो सेंटेंस को अच्छे से, लाइक यहां पर प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा, वर्ब की तरह नहीं करेगा, वर्ब की तरह अगर करता काम तो कंजंक्शन यूज हो जाता, लेकिन सेंटेंस में कहीं पर भी कंजंक्शन नहीं है। तो लाइक यदि आपको दिखे इस तरह से एग्जाम में बिना कंजंक्शन लगा हुआ, कोई कंजंक्शन यदि नहीं है सेंटेंस, तो लाइक को आप क्या मानोगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला प्रीपोजिशन का क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ता है, इसलिए आई को काट कर मैंने क्या कर दिया नहीं कर दिया। और एक चीज मैंने और बताई थी कि प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, इसका तो ओरिजिनल सब्जेक्ट से लेना देना होता है, इसीलिए ही के साथ में अपन हैज लगा दिया, ही के साथ में अपन इज लगा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आप लोगों को आज समझाया, ठीक है। इसके सारी सारी वीडियोस को आप अच्छे से देख लेना, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए भाई थैंक यू।